फूड फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आम पापड़ की रेसिपी लेकर के आए हैं। आम पापड़ बनाएंगे हम यूपी की भाषा में से, अमाबड़ भी बोलते हैं। बहुत चटपटा, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बनता है। इसे बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। ये 1 किलो आम का पल्प है। ये दशहरी आम है, ये बहुत मीठा होता है। और ये लंगड़ा आम है, ये खटमीठा होता है। इन दोनों आमों को मिला के फिर हम आम पापड़ बनाएंगे। आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी प्यूरी बनानी है। प्यूरी बना इस तरह से हम सारी प्यूरी बना लेंगे। और प्यूरी बनाने के बाद इसे हम छन्नी से छान देंगे। छन्नी से छानने से एक फायदा होता है कि अगर इसमें कुछ रेशे रह जाते हैं तो छन्नी में निकल जाते हैं। दशहरी आम में तो रेशे नहीं होते हैं, लेकिन लंगड़ा आम में थोड़े रेशे होते हैं। ये हमारे आम की प्यूरी जो है तैयार हो गई है। इसे हमने अच्छे से छान लिया है, कुछ निकला नहीं है इसमें। अब पैन में हम ये जो हमने आम की प्यूरी बनाई है इसे पूरा डाल देते हैं। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है, गैस ऑन करेंगे। ये आम का पापड़ जो है हम 60 तक इसको हमें लगातार चलाते रहना है। अब इसमें हमने जो है 100 ग्राम चीनी ली है, इसको डाल देते हैं इसमें। चीनी अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि आम जो दशहरी आम हमने लिया है वो बहुत मीठा है। जब तक हमारे आम पापड़ बन रहा है तब तक हमें एक तैयारी और करनी है। ये थाली हमने ली है, इसको घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। आम पापड़ ये दो थालियां हमने तैयार करके रख दी। अब इसमें जो है हम ये 1 नींबू का रस लिया है, इसको हम डाल देते हैं। इससे जो है ग्लेज बहुत अच्छा आता है और काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है। थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लगता है। ना डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा और चटपटा बनाना है इसे तो इसमें हम थोड़ा सा ये चाट मसाला लिया है हमने, इसे डाल देते हैं। और थोड़ा सा काला नमक, ये काला नमक है। अब ये हमारा जो है चटपटा आम पापड़ बनके तैयार होगा। और अगर आप इसमें मिर्ची भी डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए, लेकिन बच्चे खाएंगे तो उन्हें मिर्ची लगेगी, इसलिए हम मिर्ची इसमें नहीं डाल रहे हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है ना, थोड़ा अभी और पकाना है इसे। इस तरह का हल्का हल्का सा तार बनने लगा है तो समझ जाइए कि आम पापड़ आपका तैयार हो गया है। अब दोनों थालियों में हम आधा आधा प्यूरी डाल देंगे आम की। ये प्यूरी अपने आप फैल जाएगी। अब हम इसे सूखने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। और अगर धूप में सुखाना है तो धूप में सुखाने के लिए इसके ऊपर एक पतला कपड़ा डाल के तब सुखाएंगे, नहीं तो इसमें जो है मिट्टी धूल कुछ भी जो पड़ सकता है तो हमारा आम पापड़ खराब हो जाएगा। तो इसे हम पंखे के नीचे सुखाएंगे, देखते हैं ये
कितने दिन में सूखता है, एक दिन लेता है, दो दिन या तीन दिन, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए ये आम पापड़ हमारे बिल्कुल सूख गए हैं। एक दिन हमने इसे पंखे में सुखाया था, जब ये थोड़ा सूख गया, थोड़ा सा हल्का हल्का सा जो है गीला था, तब हमने इसको आज जो है पूरे दिन धूप में सुखाया है, क्योंकि बारिश हो रही है तो मिट्टी अब नहीं उड़ती है, आंधी नहीं उड़ती है, तो धूल लगने का कोई डर नहीं है। तो आज हमने इसको 5-6 घंटे धूप में सुखाया और ये सूख के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम जो है निकालते हैं, इसके किनारे छुड़ा लेंगे चाकू से, इस तरह से धीरे धीरे करके पहले इसके साइड निकाल लेंगे। इसे आराम से धीरे धीरे ये देखिए पूरा आम पापड़ हमारा बहुत बढ़िया ये आम पापड़ बना है। जब भी हमारे घर में कभी बहुत ज़्यादा आम आ जाते हैं, आम खराब होने लगते हैं, तो इस तरह से जो है हम लोग आम पापड़ बना के उस आम का यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी पीस निकाल लेते हैं, हम बड़े आसानी से निकाल ले रहे हैं, इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारे आम पापड़ बनके बिल्कुल तैयार हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।